नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर शहर में लूट की वारदातों को अंजाम देकर धूम मचा रहे लुटेरे आए नवस्था पुलिस की गिरफ्त में। लुटेरों ने गाड़ियां बदल बदल कर बीते एक माह में आधा दर्जन से ज्यादा लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। तीन शातिर लुटेरों को नवस्था पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले एक माह से अनेक थाना क्षेत्रों में लूट कर रहे थे शातिर लुटेरे। पुलिस आयुक्त आरके सरनकार के निर्देश पर डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने जोन में लुटेरों और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए छेड़ रखा है अभियान। लूट की वारदात में प्रयुक्त हो रही नीली अपाचे शाइन बाइक और स्कूटी तथा लूटी गई चार चेन मोबाइल के साथ लुटेरे आए पुलिस गिरफ्त में। प्रतीक वाजपेयी, दिलीप मिश्रा और मयंक अग्निहोत्री उर्फ मन्नू तीनों शातिर लुटेरे हुए गिरफ्तार। मयंक अग्निहोत्री और दीपक उर्फ दिलीप पर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। एसीपी नौबस्ता अभिषेक पांडे, एसएचओ जेपी पांडे, एसआई राजेश, संदीप शर्मा, निशांत राणा, मोहम्मद अकरम, जयवीर, प्रदीप सिरोह, रजनीश कुमार, सौरभ पांडे के साथ सर्विलांस टीम की गिरफ्तारी में रही अहम भूमिका। पुलिस आयुक्त ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में जनपद कानपुर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई लूट की घटनाएं हुई, जिनका की खुलासा करने के लिए माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया। इसमें से थाना नौबस्ता की टीम को सफलता मिल गई है। इन्होंने गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि तीन व्यक्ति हैं जो कि इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पिछले लगभग 1.5 महीने में इन लोगों ने 8 से 10 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिन सभी का खुलासा थाना नौबस्ता की टीम के द्वारा किया गया है। इन तीनों का नाम है मयंक अग्निहोत्री, दिलीप मिश्रा और प्रतीक वाजपेयी। ये तीनों कर्रही थाना बर्रा के रहने वाले हैं। इसमें से प्रतीक वाजपेयी जो है वो दिल्ली में नौकरी करता है, और जो अभी तक की जांच से सामने आया है वो वीकेंड पे यहाँ आकर लूट की घटनाओं में बाकी दोनों साथियों का साथ देता था। इस वीकेंड भी वो घटना ही कारित करने आया था, और तीनों घटना करने जा रहे थे और हमारे द्वारा लगाई गई चेकिंग टीम्स के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो भागने की कोशिश करने लगे, और उसी प्रयास में उन्हें पकड़ लिया गया। उनके पास से 3 बाइक बरामद हुई है, लूटी हुई चेन के कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। जी, इसमें से 2 आरोपी पहले जेल जा चुके हैं। इनका अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, और भी इनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि और किस तरह की घटनाएं करते थे। इस घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को माननीय पुलिस उपायुक्त महोदय के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। अच्छा, जो लोग करते थे, माल कहां पे पकाते थे, किसको बेचते थे, क्या वो लोग पकड़े गए, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो अभी तक पता चला है, इनमें से ये लोग दिल्ली के एक सुनार को माल सप्लाई करते थे, उसकी अभी जाँच की जा रही है। जैसे ही इस बात का खुलासा होगा आप सभी को अपडेट करा दिया जाएगा। यहाँ से माल क्या दिल्ली ले जाते थे बेचने के लिए? जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो यही है कि दिल्ली ले जाकर ये लोग माल बेचते थे। जी, उनके अगेंस्ट भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे ही उन्हें नैप कर लिया जाएगा आप सभी को अपडेट कराया जाएगा। जी, इन तीन लोगों की गिरफ्तारी कानपुर से हुई है। इस जितने भी और अन्य लोगों का इस गैंग के साथ नाम आ रहा है, सभी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी हुई है क्या माधव जिला में जो की व्यक्ति है? अभी इस प्रकरण में सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।